नमस्कार सबको। आज संडे 22 तारीख हम इधर रनिंग कॉम्पिटिशन का आज संडे हम ऑर्गेनाइज करें। तो इधर हमारे चीफ गेस्ट माकल सर है और इधर काफ़ी सारे लोग शहर से और पूरे हमारे आजू बाजू के खेड़े गांव से लोग आए हुए, तो अच्छा रिस्पांस मिला है। एज गैप हमने फिक्स किया है तो उसे क्या मतलब हम रिस्ट्रिक्टेड कम से कम नहीं बोलो तो एक 45 पार्टिसिपेंट्स को हम रिस्ट्रिक्ट करें। तो रिस्पांस तो इतना अच्छा मिला कि 100 के ऊपर कर सकते थे, लेकिन एक शॉर्ट टाइम में हम जो ये स्पोर्ट्स आपा ऑर्गेनाइज़ किए तो रिस्ट्रिक्टेड 45 हो गया। तो ये अभी ये थर्ड राउंड हो गया, अभी ये दो राउंड अभी बाकी है तो बाद में फाइनल्स होगा। तो मैं अभी कुछ स्टूडेंट से बात कर रहा था या एथलीट से बात कर रहा था, तो इधर का एक अरुण कुमार बोल के एक एथलीट है जो उसका स्कोर है द बेस्ट स्कोर उसका है कि इट्स 11 सेकेंड्स। तो मैं परेशान भी हो गया, खुशी भी महसूस हुआ कि हमारे बीच एक एथलीट है जो 11 सेकेंड्स 100 मीटर्स 11 सेकेंड्स का उनका स्कोर रहा है। नेशनल लेवल का कुछ 9.27 सेकेंड्स है, तो खाली एक मिली सेकेंड्स का फ़र्क है। तो इधर कोच से भी बात कर रहा था, कोच लोग भी बोले कि इधर प्रॉब्लम है कि आज एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, दूसरा चीज़ क्या कोचिंग भी इम्पॉर्टेंट है, टैलेंट भी है इक्वली इम्पॉर्टेंट है, कोचिंग भी इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने बोला कि हमारे से जो हो सकता हम करेंगे बोलकर, तो थोड़ा बहुत उनको पुश मिला तो मैं समझता हूँ एक स्टेट लेवल भी उन्होंने भी जा सकते, नेशनल लेवल भी जा सकते। हमारा यही मकसद है कि टैलेंट खोजना। और माकल सर अभी बोले कि हिंदुस्तान में आबादी इतना ज़्यादा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इधर स्पोर्ट्समैन बेचकर नेशनल लेवल रहने दो, ओलंपिक्स रहने दो, हम क्या मालूम अपना एक गुलबर्गा का एक मुकाम उसमें हम पर दस्तक दे सकते हैं। उसको गुलबर्गा में जो स्पोर्ट्स के जो जलसा बना रहे हैं बिलगुंदी फाउंडेशन के वती के, बहुत अहम कदम उन्होंने वो बिलगुंदी ट्रस्ट के वजह से वो वती मतलब उससे अहम कदम उठाए वो लोग। मैं इसलिए उनको तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि इससे ये स्पोर्ट्स उत्सव से जो स्पोर्ट्स जलसे से क्या हो रहा, यहाँ के जो यूथ है उनको एक इंस्पिरेशन मिल रहा है, उनमें एक दिल में एक तमन्ना जाग रहा है कि हम भी स्पोर्ट्स में आना चाहिए, स्पोर्ट्स में आके आगे बढ़ना चाहिए। ज़रा देखिए जापान वगैरह देखिए, जापान यूएसए कहीं हर तरफ वहाँ जो उनका देश आगे बढ़ा है किसके वजह से, वहाँ भी स्पोर्ट्स को भी वो लोग उतना ही इम्पोर्टेंस दिए हैं। मतलब स्पोर्ट्स से क्या है वो देश भी आगे बढ़ा है, मतलब स्पोर्ट्स मतलब वहाँ के स्पोर्ट्स स्पोर्टिव माइंड ज़्यादा है उनका, तो इससे क्या हो रहा वो लोग आर्मी में भी जा रहे हर तरफ वो लोग रहने से क्या हो रहा देश का एक आबादी बढ़ रहा हो रहा है। तो हमारे देश में क्या है बहुत सारे दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान हमारे देश मुल्क में, फिर भी हमारा स्पोर्ट्स इंडेक्स बहुत पुअर है, तो इसके वजह से स्पोर्ट्स इंडेक्स बढ़ाना है। हैदराबाद कर्नाटक का तो स्पोर्ट्स की हालत बहुत बुरा है, पूरा इंडेक्स इतना बुरा है कि यहाँ नेशनल लेवल ने स्टेट लेवल भी बहुत कम रेशो से जा रहे हैं। जरा देखिए मैसूर और बेंगलुरु के तरफ जो लोग हैं वो नेशनल क्रिकेट में भी खेल रहे हैं, इसको एथलेटिक में भी जा रहे हैं, सब तरफ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग ना फिल्म में भी है ना स्पोर्ट्स में भी है, कहीं भी नहीं है। तो यहाँ के लोगों को एक इंस्पिरेशन मिलना चाहिए, एक यहाँ के लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिलना चाहिए। इस एक ख्याल में रखते हुए ये बिलगुंदी फाउंडेशन जो एक कदम उठाया है, अहम कदम उठाया है, यहाँ के लोगों को एक इंस्पिरेशन देके आगे ये लोग भी हमारे डिस्ट्रिक्ट से कम एक नेशनल लेवल स्टेट लेवल और इंटरनेशनल लेवल तक जाए, ऐसे एक नो एक बहुत सारे एक स्केच डाले हैं। और इनका हमारे संतोष बिलगुंदी के साहब का भी एक सपना है, सिर्फ एक गुलबर्गा नहीं बल्कि हर खेड़े गांव में भी स्पोर्ट्स का कुछ ना कुछ एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए, कम खर्चे में बना के वहाँ के लोगों को भी वहाँ का भी यूथ लोगों को भी एक हौसला बढ़ा के उनको आगे बढ़ने के लिए कुछ एक स्कीम डाले है। इसलिए मैं और एक बार ये बिलगुंदी फाउंडेशन को तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। एलिब्रेटेड स्पोर्ट्स सब सीजन 1 2023 ऑर्गेनाइज बाय बिलगुंदी फाउंडेशन ಈವೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಥರ್ಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಬಿಲ್ಗುಂದಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.